अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब मज़े में होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। एज़ यूजुअल ऑल रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं, तो आज की स्पेशल रेसिपी चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस है। फ्राइड राइस की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज बनाएंगे चिकन शाशलिक। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हाफ के जी बोनलेस चिकन चाहिए होगी इसके लिए, जो कि हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा। फिर इसको एक बाउल में ऐड करेंगे और स्पाइसेस को ऐड करके इसको मैरिनेट करके आपने 30 मिनट्स के लिए रखना है। 2 स्पून इसमें मैं सोया सॉस की ऐड कर रही हूँ, 2 स्पून इसमें वाइनेगर के ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स के ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट का ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए और 20 मिनट्स के लिए भी आप मैरिनेट करके रख देंगे, तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, सारे स्पाइसेस का टेस्ट चिकन में आ जाएगा। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, और उसमें हमें अपना सॉस प्रिपेयर करना होगा। चिकन को साइड पर रख देंगे, सॉस इसका अलग से बनेगा, चिकन अलग से फ्राई होगी। सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑयल ऐड कर देंगे, गार्लिक मैंने चॉप कर लिया था बारीक कट करने के बाद। गार्लिक का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें, अगर आपके पास गार्लिक नहीं हो तो आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 3 स्पून चिली सॉस के ऐड कर दिए इसमें और 6 स्पून इसमें टमाटो केचप के ऐड कर दिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी, ऑथेंटिक रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर के ऐड कर दिए, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून इसमें चिली पाउडर ऐड कर दिया है, 2 स्पून इसमें मैंने शुगर के ऐड किए हैं और 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। 2 स्पून इसमें मैंने सोया सॉस के ऐड कर दिए हैं। सॉस हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करनी है। अब 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए थे और 1 कप वाटर में उसको डिसॉल्व कर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद स्लोली इसको ऐड कर देंगे, कॉर्नफ्लोर की स्लरी को अपने सॉस में, जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे। मैं इसमें 2 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ, आप 1 चम्मच चिकन पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं, चिकन क्यूब से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। एक और पैन ले लिया, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए, मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको आपने 2 से 3 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, जब तक इसका कलर वाइट हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को मैंने क्यूब्स में कट किया है, आप इसी तरह से इक्वल सबको सेम शेप में कट कीजिएगा तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। शिमला ऐड कर दिए हैं, टमाटो ऐड कर दिए हैं, अनियंस भी ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट्स के लिए आपने बस रफ फ्राई करना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। और फ्राई करने के बाद जो हमारे पास प्रिपेयर्ड सॉस था उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, और आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है, और दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में इससे ज़्यादा मज़े का था ये। तो ये सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है, आपने इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करना है, आप प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।